दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे LG की नई 2019 की UM7300 टीवी सीरीज के बारे में। ये टीवी सीरीज पिछले साल की UK6360 का एक अपग्रेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा LG UM7300 के स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और क्या फर्क है अगर हम इसे कंपेयर करें UK6360 से, और साथ ही साथ क्या आपको UM7300 टीवी सीरीज खरीदनी चाहिए ये भी बताऊंगा आपको मैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए। रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। LG ने अपनी नई सीरीज UM7300 लॉन्च कर ली है। चार वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेंगे, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच। फिलहाल मार्केट में 55 इंच एंड 65 इंच वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। फ्यूचर में जाकर आपको दूसरे दो वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इस टीवी की डिस्प्ले के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ पे आपको 4K का रेजोल्यूशन है, बहुत ही बढ़िया IPS पैनल है, RGB पिक्सल स्ट्रक्चर है, रेड ग्रीन ब्लू का पिक्सल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1100:1 का है और करीबन 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेवल आपको देखने को मिल जाएगी। स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 50Hz का है, पैल कंटेंट के लिए 60Hz का, NTSC कंटेंट के लिए। तो काफी बढ़िया डिस्प्ले आपको यहां पे देखने को मिलने वाला है। लोकल डिमिंग फीचर तो आपको इस टीवी में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया डार्क ब्लैक्स और बहुत ही बढ़िया ब्राइट व्हाइट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस टीवी में LG ने यूज किया है अपनी नई ट्रू कलर टेक्नोलॉजी, जो पिछले साल की LG UK6360 में नहीं थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक यूज किया गया है। जी हाँ, पूरा प्लास्टिक का बिल्ड है, मेटल फ्रेम आपको इस टीवी में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया बीजल्स है, बहुत ही नैरो बीजल्स कर दिए हैं। साउंड के बारे में बात करें तो यहां पे आपको 20W के डाउन फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, DTS वर्चुअल X का सपोर्ट है और साथ ही साथ यहां पे आपको वन टच साउंड ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी दे रहा है LG, जिससे कमरे में आप कहीं पे भी बैठे हो आपको साउंड क्लियरली सुनाई देगा। अक्सर जब भी हम कोई टीवी सीरीज या सीरियल देखते हैं, जहां पे दो तीन लोग बात कर रहे होते हैं, किसी का आवाज धीमा होता है, किसका ज्यादा लाउड होता है, और वहां पे धीमे बात करने वाले लोगों के डायलॉग्स हम मिस कर जाते हैं, तो यहां पे ऐसा नहीं होगा। LG ने ये नई टेक्नोलॉजी लाई है इस टीवी में। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अलग अलग फीचर्स के बारे में, तो यहां पे आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है, Amazon Alexa और Apple AirPlay 2 का सपोर्ट आने वाला है, कमिंग सून है इस टीवी में। यहाँ पे आपको HDR के बारे में बात करें तो HDR 10 और HLG का सपोर्ट मिल रहा है, तो ढेर सारे फीचर्स मिल रहे हैं। इसके रिमोट के बारे में बात करें तो मैजिक रिमोट जो पिछले साल मिल रहा था, वही मैजिक रिमोट आपको मिल रहा है। डेडिकेटेड कीज है Netflix और Amazon Prime के। उसके अलावा आपको बहुत सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे, Z5, Hotstar, जो भी पॉपुलर ऐप्स है, वीडियो ऐप्स है, वो आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे। वेब OS है 4.5 वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन वो इस टीवी में आ रहा है। 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, तो काफी फीचर रिच टीवी है। अब बात कर लेते हैं क्या आपको ये टीवी लेनी चाहिए और क्या फर्क है इस टीवी का पिछले साल की UK6360 से। दोस्तों मैंने UK6360 का अनबॉक्सिंग और डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाया था, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 6 महीने यूज करने के बाद 6 मंथ यूजेज वीडियो भी बनाया था, उसका भी लिंक आ जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोनों के अगर हम 55 इंच वेरिएंट्स को लें और प्राइसेस को देखें, तो UK6360 करीबन मार्केट में 60,000 to 65,000 के रेंज में मिल रही है। वहां पे UM7300 हालांकि MRP 85,000 की है, लेकिन मार्केट में आपको करीबन 75,000 में मिल जाएगी। तो 12,000 से 15,000 रुपए का फर्क है। तो 12,000 से 15,000 रुपए में LG आपको एक्स्ट्रा क्या दे रहा है UM7300 में? सबसे पहली चीज है पिक्चर क्वालिटी। यहां पे अगर हम बात कर ले तो UK6360 आपको RGBW पिक्सल स्ट्रक्चर देता है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट पिक्सल स्ट्रक्चर। वहां पे UM7300 RGB पिक्सल स्ट्रक्चर दे रहा है, रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल स्ट्रक्चर, इससे आपको ज्यादा कलर्स देखने को मिल जाएंगे UM7300 में। ब्राइटनेस लेवल्स भी 100 निट्स ज्यादा है
पीक ब्राइटनेस निट्स ज़्यादा हैं UM7300 में, और अगर हम कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखें तो वहाँ पे भी करीबन 100 पॉइंट्स का फ़र्क है। तो ओवरऑल डीप ब्लैक्स, ब्राइट वाइट्स आपको UM7300 में देखने को मिलेंगे, और ट्रू कलर टेक्नोलॉजी से कलर्स ज़्यादा उभर के आएंगे, तो आपको ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स UM7300 ही दिखाएगा। साथ ही साथ अगर हम बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो हालांकि दोनों टीवीज में प्लास्टिक यूज़ किया गया है, लेकिन UM7300 आपको बहुत पतले बीजल्स दे रहा है जो लुक्स को ज़्यादा उभारेंगे टीवी के। जहाँ UK6360 गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देता है, वहाँ पे UM7300 गूगल असिस्टेंट के अलावा Amazon Alexa और Apple AirPlay 2 का भी सपोर्ट देगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है UM7300 में। तो 12-15 हज़ार रुपये में आपको काफ़ी कुछ एडिशनल चीज़ें मिल रही हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी फेयर प्राइजिंग है यहाँ पे। दोस्तों तो अगर आप एक बहुत बढ़िया 55 इंच और 65 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं, एक बढ़िया ब्रांड की टीवी लेने का सोच रहे हैं, तो UM7300 एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। काफ़ी बढ़िया प्राइजिंग रखी गई है। जो पहली सीरीज जिसके बारे में बात की थी LG की, यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे प्राइजिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन UM7300 की प्राइजिंग काफ़ी अच्छी रखी गई है। अगर आप 55 इंच लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। पिछली बार मैंने सैमसंग की 7100 और 7470 का भी वीडियो बनाया था। अगर मैं उससे भी कंपेयर करूँ तो मुझे UM7300 ज़्यादा पसंद आई है। तो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कीजिए अगर आप एक 55 इंच या फिर 65 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल है इस टीवी सीरीज के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, कोशिश करूँगा कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए यार, ऐसे ही नहीं जाइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।